अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे पोटैटो गार्लिक बाइट्स, जिसको आप पोटैटो स्नैक्स भी बोल सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं मैं बता दूँ। मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं आधा किलो, ठीक है। और ये मैं उसके लिए आधा कप पानी यूज़ करूँगी। ये आधा कप से पौना कप है, ठीक है, आधे से थोड़ा सा आधा कप है। ये चावलों का आटा यूज़ करूँगी 4 टेबल स्पून। और ये मैंने तिल लिए हैं सफ़ेद तिल 1 टेबल स्पून भर के लिया है। ये मैंने ओरिगैनो लिया 1/4 टीस्पून। मैंने गार्लिक लिया है, इसको मैंने चॉप कर लिया है, ये मैंने लिया है 1 टीस्पून। और ये मैंने चिली फ्लेक्स लिया है, कुटी हुई लाल मिर्च लिया है, ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। ज़ीरा पाउडर लिया है, काली मिर्ची लिया है थोड़ी सी, और नमक लिया है। नमक आप अपने हिसाब से लीजिएगा। अगर आपने आलू बॉयल करते वक्त इसमें डाला है नमक, तो फिर आप उसमें कम डालिएगा, ठीक है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसके नीचे चूल्हा ऑन कर देंगे। 3 से 4 टेबल स्पून हम ऑयल यूज़ करेंगे इसमें। ऑयल को गर्म होने देंगे थोड़ा सा, देन हम इसमें डालेंगे गार्लिक। ये मैंने गार्लिक ऐड कर दिया है। अब इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। जस्ट इसको फ्राई करना है, गोल्डन की तरफ नहीं आपने लेके जाना, ठीक है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे कुछ सेकेंड। अब हम इसमें डाल देंगे ये लाल मिर्ची और ज़ीरा पाउडर, काली मिर्ची और नमक, ये हम डाल देंगे इसमें। ये सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं एक साथ ही। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। गार्लिक की अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे पानी, ये डाल देंगे, और इसको हम उबाल आने तक इसको गर्म करेंगे पानी को। ये पानी में उबाल आने स्टार्ट हो गए। अब हम इसमें 1 बाय 1 इसमें डालेंगे चावलों का आटा, 1-1 चम्मच करके डालेंगे, और साथ में हम मिक्स करते जाएंगे अच्छे तरीके से। इधर हमने सारा डाल दिया है, और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये 2 चम्मच पानी मैंने और ऐड किया है, ताकि ये चावल हम अच्छे तरीके से, इसका जो है चावलों का कच्चापन है वो हम दूर कर सकें। इसको मिक्स करते हैं अच्छे तरीके से, और इसको 2 मिनट के लिए पकाते हैं। ये हमने 2 मिनट इसको भून लिया है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको ठंडा करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए व्यूज़, इसको मैंने ठंडा कर लिया है अच्छे तरीके से। अब हम इसको आलुओं में डालते हैं, ठीक है। ये सारा पेस्ट हम आलुओं में डालते हैं, और इसके बाद हम इसमें क्या ऐड करेंगे, ये धनिया, हरा धनिया 2 टेबल स्पून, ये ओरिगैनो पहले नहीं हमने डाला था अब डालेंगे, और ये सफ़ेद तिल, ठीक है। ये अब डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं हाथ से। बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही है इसकी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए जब आपने इसको आलूओं में मिक्स करना है, बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें 2 चम्मच में डालेंगे कॉर्नफ्लोर। 2 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर ऐड करके इसको हम दोबारा से मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ये व्यूज, अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम हाथों पे ऑयल लगाएंगे हल्का सा। ये ऑयल लगा लिया है। अब छोटे छोटे पीसेस पकड़ेंगे इसके, और जिस मर्जी शेप के आप बना लें। मैं इस शेप के बना रही हूँ, नगेट शेप के। आपको जो भी शेप पसंद हो आप उस पर बना सकते हैं। ये इसी तरह मैं सारे बना लेती हूँ। ये व्यू, कुछ मैंने इस शेप के बना लिए, कुछ मैं शेप चेंज करूँगी इसकी। आप चाहें तो इसी शेप के बनाते रहें। ये देखें, इस शेप के भी कुछ आप बना लें, या इसे छोटे कर सकते हैं आप, ठीक है। डिफरेंट शेप के आप बना लें। ये देखें व्यूज़, एक ये शेप बना रही हूँ मैं, त्रिकोण शेप, ठीक है।
ये देखें इस शेप के बना लेते हैं कुछ। हमने ऑयल गर्म कर लिया, ये मैंने एक डाला है चेक करने के लिए कि हमारा ऑयल गर्म हो चुका है या नहीं। अब हम इसमें डालेंगे वन बाय वन और इसको फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। ये जब एक तरफ से पक के ऊपर आ जाएंगे तब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए व्यू, तो एक तरफ से ऊपर आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं और इसको लाइट गोल्डन होने तक इसको फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे, फिर हम इसको बाई डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा इसका और लाइट थोड़ा सा डार्क कलर हो जाए फिर हम इसको निकालते हैं। ये देखिए व्यू, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसको बाहर निकालते हैं और डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। देखिए व्यू, पोटैटो गार्लिक की फाइनल लुक देखिए कितनी मज़े की बनी है। और ये देखिए कितना क्रिस्पी है, ये आवाज़ आ रही है कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए अंदर से मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए कितना मज़े का और बहुत मज़े की लुक आ रही है इसकी, बहुत यमी बने हैं। आप इसको खाइएगा और आप किसी भी रोस्ट को भूल जाएंगे, ठीक है। अगर आप ये बनाएंगे मेरी इस रेसिपी को तो भूल जाएंगे तो बाकी सारी रेसिपीज़ को, और फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत कम पैसों में ये बनने वाली है। और दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।